मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। अष्टांग हृदय, उसको एक दूसरे नाम से भी बोलते हैं कुछ वैज्ञानिक, अष्टांग संग्रह। तो उसमें स्वस्थ रहने के कुछ नियम हैं और बीमार पड़ने के कुछ कारण हैं। अब आपको अगर मैं कहूं तो आप परेशान हो जाएंगे ये सुनकर। इस अष्टांग हृदय में या अष्टांग संग्रह में किसी भी व्यक्ति के बीमार होने के सबसे बड़े कारणों में से एक कारण ये है कि वो ऐसा खाना खाते हैं जिनको सूर्य प्रकाश नहीं मिला या पवन का स्पर्श नहीं हुआ। और अष्टांग हृदय कहता है कि जो व्यक्ति सूर्य के प्रकाश का स्पर्श किए बिना और पवन का स्पर्श किए बिना खाना खाएंगे, माने जिस खाने को सूर्य प्रकाश नहीं मिला, जिस खाने को हवा ने नहीं छुआ, ऐसा खाना खाएंगे तो बीमारियों का घर तो शरीर होने ही वाला है। और ऐसी चीज क्या है हमारे घर में? रेफ्रिजरेटर। आप फ्रिज में भर के खाना रख दो, ना उसको सूर्य प्रकाश मिलेगा, ना पवन का स्पर्श होगा, और वो खाना अष्टांग हृदय के हिसाब से जहर है। अष्टांग हृदय में तो ये तक लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति सूर्य प्रकाश के बिना और पवन स्पर्श के बिना खाना खाता है, उसको दुश्मन की जरूरत नहीं है और जहर खाने की भी जरूरत नहीं है, वो खुद ही जहर खा रहा है, थोड़े दिन में वो जाने ही वाला है इस दुनिया से। और आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी मान लिया है कि खाने को बना के फ्रिज में रखना उसका सर्वनाश करने के बराबर है। अब हम क्या करते हैं, बहुत सारे घरों में फ्रिज है। आजकल तो मैं बिना फ्रिज का घर देखूं तो हैरानी होती। हाँ, और घरों में कंपटीशन है कि पड़ोसी के आए तो हमारे यहां क्यों नहीं, वो कुएं में गिर रहा है तो हम क्यों नहीं गिरे, वो जहर खा रहा है तो हम क्यों नहीं खाएं। सारा देश इसी में मर गया, भला उसकी कमीज मेरी कमीज से ज्यादा सफेद कैसे। पढ़े लिखे लोगों में ये बहुत है। तो फ्रिज आ गया घर में, अब आ गया तो इसका कुछ तो उपयोग होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सब्जियां खरीद खरीद के लाते हैं और भर भर के उसमें रख देते हैं। और अभी एक और सुपर इडियोसिटी करना शुरू किया है कि सब्जियों को पॉलीथिन में भर भर के फ्रिज में रख देते हैं। ये पॉलीथिन फ्रिज से भी ज्यादा खराब। अब होता क्या है, सब्जियों के बारे में आयुर्वेद का सिद्धांत यह है कि पेड़ से टूटने के 48 मिनट के बाद उसको पका के खा लीजिए। यह नियम है आयुर्वेद का। पेड़ से टूटने के 45-48 मिनट के बाद, मान लो एक घंटे के बाद आप उसको पका के खा लीजिए, तब तो है ठीक। और जो आपने सवेरे की सब्जी शाम को खाई, शाम की अगले सवेरे को खाई और दो दो दिन रख के खाई, तो वो जहर है। अब हम क्या कर रहे हैं, सब्जियां यहां ताजी मिलती हैं भीलवाड़ा, हाँ, सवेरे भी शाम को भी। मैं देखता हूं झोला भर भर के 3-4 दिन की इकट्ठी ले आते, 8-8 दिन की ले आते और फ्रिज में भर के पॉलीथिन में पैक करके और रख देते। तो डबल जहर। धनिया लाते हैं पॉलीथिन में पैक करके फ्रिज में रख दिया, पुदीना लाया पॉलीथिन में पैक करके रख दिया, भिंडी लाई पॉलीथिन में पैक करके रख दिया। क्या तर्क है उसके पीछे कि इनमें नमी बनी रहती है, आपको मालूम नहीं फ्रिज में से 12 खतरनाक जहरीली गैस निकलती है जिनको CFCs कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिनसे सारी दुनिया परेशान है। उन जहरों से मिली हुई सब्जियों को फिर आप खा रहे हैं, फिर कितना भी उबालिए उसका असर नहीं जाता। धीरे धीरे ये टॉक्सिक वेस्ट आपके शरीर में इकट्ठे होते रहते हैं। 5-7 साल में आपके घुटने दुखना, पैर की एड़ियां दुखना, कमर दुखना, कंधे दुखना, फिर माइग्रेन होना, फिर नींद नहीं आना, फिर ऐसा होना, फिर वैसा होना, ये शुरू ही शुरू रहता है। और मैं किसी को समझाऊं कि भाई अगर आपको स्वस्थ रहना है तो ये फ्रिज निकाल दो घर में, है क्या बात कर रहे हैं राजीव भाई, वो 5,000 का फ्रिज रख के 50,000 खर्च करेंगे दवा पे, लेकिन उसको 5,000 के फ्रिज को निकाल के फेंकेंगे नहीं, क्योंकि स्टेटस सिंबल है जी। और अब तो एक और खतरनाक काम शुरू हुआ है कि उसमें पानी भर भर के और रख देते, वो पीते और दूसरों को भी पिलाते। ये यूरोप के लोगों की सबसे बड़ी समस्या, चिल्ड वाटर, वो ठंडा पानी पीते। परिणाम पता है, वो सवेरे 2-2 घंटे टॉयलेट में बैठे रहते और उनका ठंडा पानी तो मजबूरी है, क्योंकि बर्फ गिर रही है तो पानी ठंडा होने वाला है। हमारी क्या मजबूरी है, कोई नहीं, हम तो ठंडा बना बना के पी रहे। कई घरों में माताओं को मैंने देखा है आटा गूंद के फ्रिज में भर के रख देते हैं, सवेरे का शाम को, शाम का अगले दिन, सवेरे अगले दिन का, तीसरे दिन, तीसरे दिन का चौथे दिन, ये चक्कर चलता ही रहता है।
और आटे के बारे में भी आयुर्वेद ये कहता है कि अगर आटे को गूंद लिया है तो 30 मिनट के अंदर उसे खत्म होना ही चाहिए, नहीं तो कीटाणु बनना, जीवाणु बनना शुरू हो जाता है उसमें। आप जैन दर्शन मानते हैं और रोज करोड़ों जीवों की हत्याएं करते उसी आटे के चक्कर। वो आटा शरीर के तो काम का है ही नहीं, धर्म के भी विरुद्ध है। अब रोज जीव हत्या करते हैं, पाप चढ़ता रहता है, फिर उसको उतारने के लिए सामयिक और प्रतिक्रमण करने बैठ जाते हैं, फिर एक दिन पाप की गठरी बढ़ाते हैं, फिर सामयिक कर लेते हैं, फिर पाप की, ये तो चक्कर चलने ही वाला है। तो अगर अष्टांग हृदय के इस सूत्र को आप माने और समझे, अष्टांग हृदय कहता है कि जिस भोजन को सूर्य का प्रकाश ने स्पर्श नहीं किया हो और पवन ना मिला हो उसको कभी मत खाइए, वो जहर है। तो आप कोशिश करिए, अपने घर का फ्रिज निकाल दीजिए, मैं आपसे अभी बोलता हूं 50% बीमारियां फ्रिज के साथ निकल जाएंगी।